राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अब बहुत हर्ष का विषय है कि अब यूसीसी लागू होगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। सीएम धामी ने आगे लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समाज सत्ता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी क्या है और उत्तराखंड के यूसीसी के नियम क्या है। दरअसल यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून के तहत अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने अभिभावकों को जानकारी देनी होगी। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाएगी। जानकारी छिपाने पर जुर्माना हो सकता है और जेल जाना पड़ सकता है। यूसीसी के तहत एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगा दी गई है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी औपचारिक तौर पर तलाक हुए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। यूसीसी के तहत परिवार की संपत्ति में महिलाओं को भी बराबरी का हक मिलेगा। इस्लाम में हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाएं गैर कानूनी होंगी। यूसीसी के चलते शादी, तलाक और बहुविवाह जैसे मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा और अनुसूचित जनजातियों पर उत्तराखंड का यूसीसी लागू नहीं होगा।